हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप कम समय में BSSL सीजीएल 3 कैसे क्रैक कर सकते हो। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कम समय में, क्योंकि मैं जॉब भी करता था और साथ ही साथ BSSC इंटर लेवल का मैं तैयारी भी करता था, तो मैंने कम समय में कैसे टाइम मैनेजमेंट किया और एक अच्छा रैंक, लगभग मेरा जो रैंक था BSSC में 600 के आसपास था, तो मैंने ये रैंक कैसे हासिल किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने कौन कौन सा बुक पढ़ा। ठीक है, ये बुक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहोगे तो आपको अच्छा बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बुक लिस्ट के बारे में जो है देख लेते हैं कि कौन कौन सा बुक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो बुक होता है वो आपका लूसेंट का बुक होता है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो GK GS की जो आधारशिला है आप इस बुक के द्वारा जान सकेंगे। यदि आपके पास क्लास नोट्स है तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। तो मैंने क्लास नोट्स और ये जो लूसेंट है तो इसका भी मैंने सहारा लिया, तो इससे मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। उसके बाद मैं दूसरा बुक की चर्चा करना चाहूँगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्पीडी का, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा का सामान्य विज्ञान, क्योंकि विज्ञान से भी जो है साइंस से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BSSC में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहते ही हैं, तो इस बुक से आपको वो कवर करने को मिल जाएगा। यदि आप अच्छे से इसे तैयारी करोगे तो मेरे ख्याल से लगभग आपका जो है हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस बुक में मिल जाएगा। अभी जो दौर है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का वो होता है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा स्पीडी, क्योंकि स्पीडी से मैंने देखा था पिछले बार BSSC इंटर लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे। आप स्पीडी और एदुटेरिया दोनों लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल मैं स्पीडी ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, इसलिए जो है मैं एक ही बुक का सहारा लेता हूँ, मैं बस स्पीडी ही पढ़ता हूँ। तो आप स्पीडी या आप एडुटेरिया के बुक को यूज कर सकते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप ये वन लाइनर है, पर सबसे पहले आप इसे याद कर लो, उसके बाद आप इधर ये वाला जो ये जो है फर्स्ट पेज इसे याद करो तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बुक की ओर। इसमें जो आपको बुक देखने को मिलेगा, मैं इस बुक को 2-3 बार जो है बनाया हुआ हूँ, क्राउन वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। तो ये इसमें जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन होता है हर एक स्टेट PCS का लगभग क्वेश्चन रहता है, तो इसका मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस किया। आपने आप यहाँ देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये बुक बनाते हो तो आपको GS में कहीं प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए BSSC CGL में जो है दो तरह के स्टूडेंट भरे हुए हैं, एक जो BPSC वाले और एक जो है SSC वाले। तो SSC वाले को जो है GK पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और BPSC वाले को मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप जो है चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन करो तो आपको जो है GK पोर्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की स्टूडेंट है तो मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस बुक का जो है ज़रूर प्रैक्टिस करो, 2-3 बार इस बुक का प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो आपको जो है रेयर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पॉलिटी में बहुत सारा अनुच्छेद दिया रहता है, तो वो सब अनुच्छेद के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जो कि आप लूसेंट से याद नहीं करोगे। उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट बुक की ओर दिखाना चाहूँगा जो कि SSC का जो है आपका घटना चक्र है, क्योंकि इस बुक के थ्रू जो है आप SSC पैटर्न को पढ़ोगे। और इसके साथ जो ये जो दिया जाता है ना अलग से, इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर दिया जाता है, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा उस क्वेश्चन के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी मिलेगी। और बेसिक से ही आजकल क्वेश्चन पूछते हैं, रटा रटाया क्वेश्चन जो है अब नहीं पूछा जाता है, अब जो है बेसिक क्वेश्चन का पूछा जाता है, जो जब तक आप इसे क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको बेसिक क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक का भी जरूर यूज करो। ये घटना चक्र का जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है GK, आपको अगर बूस्ट करना है तो इसका जितना भी चैप्टर आप देख रहे हो हर एक चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, वन लाइनर को याद करना पड़ेगा, और इसका एक अलग से नोट्स बना लो जिसमें जो जो क्वेश्चन आपको नहीं बन पा रहा हो, मान लो कि आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हो, उसे एक अलग डायरी में नोट करो तो वो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप कम समय में जो है एग्ज़ाम के पहले आप उसे रिवीजन कर सकोगे। उसके बाद अब हम लोग दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर।
प्रैक्टिस सेट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है मेरी सफलता की कुंजी है, स्पार्क पब्लिकेशन, और ये जो है मेंस मेंस के समय मैंने इसे लिया था, बीएसएससी इंटर मेंस के एग्ज़ाम से पहले मैंने इस बुक को लिया था। और इसका जब बुक को आप लास्ट में देखोगे, आप यहाँ पे इस बुक का जो मेन खासियत है, बुक की एंडिंग में जो आप कैसे यहाँ बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप 2002 में, तो ये सभी का आपको संकलन यहाँ को देखने को मिलेगा, जो कि मतलब बिहार के एग्जाम पैटर्न को दिखाता है। आप हर एक बीपीएससी का जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है बिहार की सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं का हल, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या आपका एलडीसी का भर्ती हो, कुछ भी जो भर्ती लिया गया हो, तो सबका जो है यहाँ आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बुक को सेट लगाने के बाद जो है आप इस बुक का जो है वन बाय वन वाला आप पढ़िए, तो ये जो है आपको पैटर्न समझ में आएगा कि बिहार में कैसा पैटर्न क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है दोस्तों हम लोग बुक की ओर बढ़ते हैं, ये है आपका इदु टेरिया का बीएसएससी सचिवालय सहायक तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2022 का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो सेट है बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी लगाया नहीं है, मैं खरीद के लगभग 1 महीने पहले लाया हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट तब लगाता हूँ जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं, तो उस समय जो है आपका स्ट्रैटेजी, किस क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उस पर ध्यान जाता है। इसके पहले मैं जो है क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अपना जो नोट्स है या जो आपके पास ये गाइड दिया हुआ है, जैसे लूसेंट हो गया या ये क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हुआ, तो मैं ये लगाता हूँ। मगर एग्जाम के पहले, जैसे ही एग्जाम का डेट निकल जाएगा, उसके बाद से मैं जो है रेगुलर बेसिस पे दो सेट लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे रुकमणि, या जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो है ये जो टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिएगा, इसमें भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे कि इसमें यदि आप अच्छा नंबर गेन कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाओगे, क्योंकि मैं इस बुक के बारे में मैं रिव्यू देना चाहूँगा कि इसमें जो क्वेश्चन होता है कि बिहार दरोगा में, बिहार सचिवालय सहायक में कुछ कुछ क्वेश्चन मिले हुए रहते हैं, चाहे वो रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हो, तो उसमें क्या होगा यदि आप बिहार दरोगा में इसका सेट मारे होंगे, तो वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जो है बिहार सचिवालय सहायक वाले सेट में मिल जाएगा, तो इससे आपका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको लगेगा यार मेरी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक ग्रुप बनाना है, और अगर ग्रुप बना के ही जो है आप प्रैक्टिस सेट किया करो, तो आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा जो है आपको इस वीडियो में गाइड कर दिया कि आपको कैसे तैयारी करनी है कम समय में, और डेली बेसिस पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ते हो, तो आपको जो है वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएगा जिसकी कल्पना आप कर रहे हो। तो आपको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करो और बीएसएससी सीजीएल 3 को क्रैक करो।